अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जफर कुरैशी और आप देख रहे हैं द पेट चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी जानवर को, गाय हो, भैंस हो या भेड़ बकरी भी हो, उसको आप मुंह के ज़रिए दवाई पिलाना चाहें, उसका सही तरीकाकार क्या है। अक्सर देखने में ये आता है कि जो ज़मींदार हजरात खुद से दवाई पिलाते हैं वो उसका गलत तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, और अगर गलत तरीकाकार इस्तेमाल हो जाए तो उसकी वजह से जानवर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जिससे एक बड़ा नुकसान है ड्रेंचिंग नमूनिया, क्योंकि दवाई उसके पेट में जाने की बजाय सारी दवाई उसके फेफड़ों में चली जाती है, और उसकी वजह से जानवर को नमूनिया हो जाता है, ड्रेंचिंग नमूनिया होता है, और जानवर की जान को शदीद ख़तरा लाहक हो जाता है, और अक्सर ज़मींदार हजरात को इससे बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ सकता है गाय के मरने की सूरत में। तो लिहाजा इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सही तरीका क्या है, सही प्रोटोकॉल क्या है, आपने उसको सही तरीके से दवाई किस तरह पिलानी है, ताकि आप जानवर को दवाई पिलाएं और उसका पूरा फ़ायदा भी ले सके और जानवर को कोई ख़तरा भी ना हो। हाँ, जब यूँ अक्सर लोग जब मुंह के ज़रिए से दवाई देते हैं तो कोई उसको लोटे के ज़रिए पिलाता है, कोई बोतल के ज़रिए से पिलाता है, कोई सरिंज यूज़ करता है, तो ठीक है, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो एज ए वेट मैं तो आपको हमेशा ये मशवरा दूंगा कि आप इसके लिए जो है हमेशा एक 50 ml की सरिंज को यूज़ करें, क्योंकि इसका तरीका भी बड़ा आसान होता है और जानवर बड़े आराम से इसके ज़रिए से दवाई भी पी लेता है। तो अभी हम एक जानवर है, गाय खड़ी है, इसको अभी हम दवाई देंगे, तो आप सारा तरीकाकार भी देखेंगे किस तरीके से हम इसको। अभी हम सरिंज की मदद से इस गाय को दवाई पिलाएंगे, तो हमने जो प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है उसमें हमने ये करना है कि हमने जानवर का मुंह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, क्योंकि अगर मैं हमने बहुत ऊपर उठा लिया तो दवाई के फेफड़ों में जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। नंबर दो, उसकी हमने ज़ुबान नहीं पकड़नी, ज़ुबान इसलिए नहीं पकड़ेंगे ताकि जानवर ज़ुबान की मदद से दवाई को निगल सके, अगर हमने ज़ुबान पकड़ी तो जानवर उसको निगल नहीं सकेगा और दवाई सारी अगेन उसके फेफड़ों में जाएगी और नुकसान का बाइस बनेगी। तो लिहाजा अभी हम बड़े आराम से सरिंज को एक तरफ से एंटर करेंगे और ज़ुबान को पकड़े बगैर सर भी बहुत ऊपर नहीं करेंगे और आराम से हम दवाई पिलाएंगे। दवाई को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं ताकि जानवर को उसको निगलने का भी मौका मिल सके। अभी आपने देखा दवाई उसको मैंने दी है, इसने आराम से दवाई पी ली, अभी आप बाकी दवाई भी उसको देंगे। तो व्यूअर्स, आपने तरीका फॉलो कर लिया, मुंह नहीं उठाना, मैं दोबारा इस पर जोर दे रहा हूँ, ज़ुबान नहीं पकड़नी, साइड से सरिंज को एंटर करें, आराम आराम से दवाई पिलाएं, बेजुबान जानवर है उसको निगलने का मौका मिलना चाहिए, वो आराम से दवाई निगल ले। अगर आपने इस तरह दवाई दी तो बेशुमार फ़वाद हैं, गलत तरीके से दी तो बेशुमार नुकसान हैं। तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए,
ताकि आपको आइंदा भी मजीद अपडेट्स मिल सके।